हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जाने कि लूप में हम लूप की नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेता हूं और यहीं पर हम लूप की नेस्टिंग करके देखेंगे कि लूप हम नेस्टिंग कैसे यूज कर सकते हैं लूप में। तो यहां एम्प्टी फाइल हमने ले ली है, अब यहां पर हमें हेडर फाइल बनानी है। तो मैं यहां पे हेडर फाइल बना लेता हूं, हैश इंक्लूड stdio.h। हैश इंक्लूड conio.h। ओके, यहाँ पे इंट मेन फंक्शन मैं बनाता हूँ, ये हमारा मेन फंक्शन है। ओके चलिए, अब यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा लिया हमने। यहां पर हम आमतौर पे क्या करते हैं, यहां पर हम डेटा टाइप ले लेते हैं कोई भी और वेरिएबल्स को यहाँ डिक्लेयर करते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर लूप लगा रहा हूँ। ठीक है, फॉर लूप लगाया हमने, एक यहाँ वेरिएबल मैं फॉर लूप में ही बना लेता हूँ, इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूं मैं आई। ठीक है, आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, आई इज लेस देन और इक्वल टू थ्री तक इसे चला रहा हूं। ठीक है, और आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट कर रहा हूं। आगे की वीडियोस में हम डिक्रीमेंट भी समझेंगे कि डिक्रीमेंट क्या होता है। फिलहाल ये एक फॉर लूप हो गया, इसकी बॉडी हमने बना दी। अब यहां पे दूसरा फॉर लूप लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी जो हम वेरिएबल लेंगे उसको पहले मैं यहीं पे डिक्लेयर करता हूं, ये वेरिएबल हो गया जे, और जे की भी वैल्यू को कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। जे इज लेस देन और इक्वल टू कहां तक करेंगे इसको, थ्री तक कर देते हैं। ठीक है, और जे प्लस प्लस, इसके बाद फिर एक हम लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनाएंगे और फिर एक लूप ले लेते हैं फॉर, और इस बार के लेते हैं। ठीक है, तो पहला आई, दूसरा जे और तीसरा के, और के की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, k इज लेस देन और इक्वल टू थ्री तक चलाएंगे इसको भी, और k प्लस प्लस। इसी में एक लूप और ले लेते हैं हम, और इस बार हम एक और वेरिएबल लेने वाले हैं और उस वेरिएबल का नाम है l। ठीक है, तो इस बार l इज इक्वल टू जीरो, l इज लेस देन और इक्वल टू थ्री, सबको मैं थ्री तक चला रहा हूं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, l प्लस प्लस यानी l को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां l को इंक्रीमेंट कर दिया हमने। अब यहां पर इसकी बॉडी बना लेते हैं और अब हम प्रिंट एफ लगाएंगे, क्योंकि हमें प्रिंट करवाना है तो प्रिंट एफ लगाएंगे। और प्रिंट एफ लगाने के बाद यहां पर एक बार दिया हमने परसेंट डी। ठीक है, फिर गैप देते हैं, फिर देते हैं परसेंट डी, इंटीजर लिया है इस वजह से परसेंट डी हम यहां पे दे रहे हैं। ठीक है, फिर एक बार और परसेंट डी, तो ये चार बार हमने परसेंट दिया। क्यों चार बार परसेंट डी दिया है, क्योंकि इंटीजर टाइप की जो टाइप का जो वेरिएबल हमने लिया है, आप देखिए यहाँ पे इंटीजर होगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन करना जरूरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंट लिख देता हूं मैं और यहां पर भी इंट लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो ये इंट हो गया। तो ये चार बार हमने डिक्लेयर किया और चारों इंट टाइप के हैं, इस वजह से हम यहाँ परसेंट डी ले रहे हैं। परसेंट डी इज द काइंड ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज फॉर इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू को इंडिकेट करता है ये परसेंट डी। तो ये चार बार हमने लिखा परसेंट डी। ठीक है, परसेंट डी लिख दिया, आगे क्या लिखेंगे, यहां पे बैकस्लैश एन लगा देता हूं। ठीक है, और लाइन वाइज सबकी वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूं। तो पहले आई, फिर कॉमा जे, फिर कॉमा के, फिर कॉमा एल, तो इतनी वैल्यूज को हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लूप काम करेगा। और अब क्या करना है हमें, अब हमें सिंपली यहां पे चारों लूप की बॉडी जो हमने बनाई उसको एक एक करके क्लोज करेंगे। तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा, ये चारों को हमने क्लोज कर दिया। अब यहां पे हम दे देंगे रिटर्न जीरो, ये रिटर्न जीरो कर दिया हमने और इसको टर्मिनेट किया और यहां से इसको किया क्लोज। अब बारी इसको सेव करने की, तो यहां सेव करते हैं, एरर डॉट सी के नाम से मैं इसे सेव कर देता हूं और अब इसको कंपाइल करवाते हैं। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, अब इसको रन करवाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फोर टाइप्स के, यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार, ये सारे एक ही सीक्वेंस में जिस तरह से ये चल रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे चारों लूप्स को लगाने का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये चारों लूप्स हमने लगाए हैं एक एक करके, तो ये चारों लूप्स अपने अपने हिसाब से रन हो रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि लूप की हम नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। अगले वीडियो में और भी चीजें हम जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।